हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के। आज 1 जून 2019 है मेरे प्यारे साथियों। आज से हम करंट अफेयर्स जी के थ्योरी में ना पढ़कर, यानी कि डिस्क्रिप्शन में ना पढ़कर, पढ़ेंगे एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, और साथ ही साथ पढ़ेंगे उनका डिस्क्रिप्शन भी, जो कि मेरे द्वारा तुम्हें बताया जाएगा। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मैं अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर हूँ, विवेक कुमार मेरा नाम है। तो अनअकैडमी ऐप पर राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे द्वारा पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्यूज। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज लॉन्च्ड ए थीम सॉन्ग टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट ऑन एयर पॉल्यूशन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु प्रदूषण पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा थीम सॉन्ग लॉन्च किया है? ए हवा हवाई, बी हवा आने दे, सी पवन चले पुरवैया, डी हवा का झोंका। और इसका सही उत्तर है हवा आने दे। मेरे प्यारे साथियों, यह जो गीत है वो अभिनेता शेखर सुमन और गायक शान की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ओनली वाइल्ड मैन हुज 41 ईयर ऑफ एज डाइड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस इन नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क इन ओडिशा। भारत की इकलौती वन मानुष जिसका 41 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद ओडिशा के नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में निधन हो गया, उसका नाम है? ए सन्नी, बी बिन्नी, सी कन्नी, डी कोयल। और इसका सही उत्तर है बी बिन्नी। इसका निधन रात के करीब 9:40 पर हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो निधन था वह वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण, इसके स्वतंत्र तंत्र में संक्रमण होने के कारण इसका निधन हुआ था। यह वानर की एक प्रजाति थी जिसका नाम बिन्नी है। नेक्स्ट, हाउ मैनी कैबिनेट मिनिस्टर्स टुक ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द कोर्टयार्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन ऑन मई 30, 2019। 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कितने कैबिनेट मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी? ए 22, बी 23, सी 24, डी 25। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार 15वें लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 15वें प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 24 कैबिनेट मंत्री या केंद्रीय मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, जिनमें राजनाथ सिंह, अमित शाह आदि प्रमुख हैं। साथियों, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57 मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई और इसका वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल यूनिक विवेक पर मिलेगा। नेक्स्ट, टू एस्टेब्लिश ए स्पेस टेक्नोलॉजी सेल विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विद द इसरो हैज कॉम्प्रोमाइज्ड। एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने के लिए इसरो के साथ किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने समझौता किया है? ए IIT गुवाहाटी, बी IIT रुड़की, सी IIT खड़गपुर, डी IIT दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट, इन फिक्की सर्वे द कंट्रीज एवरेज GDP इज एस्टिमेटेड टू बी इन फाइनेंशियल ईयर 2019-2020। फिक्की के संरक्षण में देश की औसत सकल घरेलू उत्पाद दर वित्त वर्ष 2019-2020 में रहने का अनुमान है। ए 7%, बी 7.10%, सी 7.20%, डी 7.30%।
सही उत्तर है बी 7.10%। फिक्की की बात की जाए तो फिक्की का जो पूरा नाम है वह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। नेक्स्ट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस टू इम्पोज ए फी ऑन ऑल कमोडिटीज कमिंग फ्रॉम विच कंट्री टू इम्पोज इलीगल इमिग्रेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध आवर्जन पर रोक लगाने के लिए किस देश से आने वाली सभी वस्तुओं पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? ए फ्रांस, बी चाइना, सी मैक्सिको, डी जापान। इसका सही उत्तर है सी मैक्सिको से आने वाली वस्तुओं पर। साथियों, जो यह घोषणा की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके अनुसार यह जो घोषणा है वह 10 जून से लागू हो जाएगी और सभी जो वस्तु है उन पर 5% शुल्क देना पड़ेगा और यह धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? ए स्मृति ईरानी, बी हरसिमरत कौर बादल, सी हेमा मालिनी, डी निर्मला सीतारमण। और इसका सही उत्तर है निर्मला सीतारमण। 30 मई 2019 को जिन्होंने शपथ ली है वह केंद्रीय मंत्री बनाई गई है और उन्हें केंद्रीय मंत्रालय में वित्त मंत्री का कार्यभार, वित्त मंत्री का पद दिया गया है। निर्मला सीतारमण पहली महिला है जो वित्त मंत्री बनी है। इससे पहले ये पहली महिला थी 2014 के सरकार में जो पहली रक्षा मंत्री बनी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल। साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें और इस वीडियो का PDF डाउनलोड हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।